हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट्स विद दिगंबर। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने अपने प्रोजेक्ट में जो है स्पीक फंक्शन बनाया था, जिससे कि हम जो भी टेक्स्ट देंगे वो जार्विस जो है वो स्पीक कर रहा था। जैसे कि मैंने ये टेक्स्ट दिया था और ये टेक्स्ट उसने स्पीक किया था, ठीक है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक और नया फंक्शन बनाएंगे, जो कि होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन। मीन्स हम जो भी बोलेंगे वो जार्विस रिकॉग्नाइज करेगा और फिर से उसे बोलेगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले आज के इस क्वेश्चन का आंसर आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। आज का जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। मीन्स आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लूप है जो पाइथन सपोर्ट नहीं करता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन फंक्शन बनाने के लिए हमें सबसे पहले दो मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना होगा, और वो जो मॉड्यूल्स है वो है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन मॉड्यूल, ठीक है, और सेकंड वाला मॉड्यूल है वो है पाई ऑडियो। ये जो मॉड्यूल है ये हमारे माइक्रोफोन से हमें स्पीच रिकॉग्नाइज करके टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है। सो ये जो पाई ऑडियो लाइब्रेरी है ये हमारी रिक्वायरमेंट्स की लाइब्रेरी है। मीन्स स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इसे एज अ रिक्वायरमेंट यूज़ करता है, ठीक है। सो ये मैंडेटरी है हमें इंस्टॉल करना। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी करते हैं यहाँ से, और जल्दी से इस लाइब्रेरी को अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेंगे। सो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो गई। अब पाई ऑडियो को हम इंस्टॉल करते हैं। सो पाई ऑडियो को भी मैंने पिप इंस्टॉल पाई ऑडियो किया, और ये भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अभी हम यहाँ से फिर से क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम होगा टेक कमांड, ठीक है। सो हम एक फंक्शन बनाएंगे, इसका नाम होगा टेक कमांड, ठीक है। और अभी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन को, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एज SR, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे रिकॉग्नाइजर से, ठीक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, R इज इक्वल्स टू SR स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डॉट रिकॉग्नाइजर। सो ये हमारा रिकॉग्नाइजर एक क्लास है, इससे हमने इसे इनिशियलाइज किया इस R वेरिएबल को, ठीक है। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे विथ SR मतलब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डॉट, और ये जो इनपुट में हमारा माइक्रोफोन यूज़ कर रहा है, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे SR डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, ठीक है। मतलब ये जो हमारा माइक है ये एज अ सोर्स हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम जो भी बोलेंगे सो वो जो रिकॉर्ड होगा वो बेसिकली माइक्रोफोन में ही होगा, ठीक है। सो हमारा जो सोर्स है वो है हमारा माइक्रोफोन, ओके। नेक्स्ट, अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लगाएंगे प्रिंट, और यहाँ पर लिखेंगे लिसनिंग। मीन्स हमारा जो जार्विस है अब लिसन कर रहा है माइक्रोफोन से, ठीक है। सो गाइस, अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थ्रेशोल्ड को ऐड करने वाले हैं। तो थ्रेशोल्ड ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, आर डॉट थ्रेशोल्ड यहाँ पर लिखेंगे, पॉज थ्रेशोल्ड इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और अभी हम फिर से यहाँ पर जो है एम्बिएंट नॉइस को ऐड करेंगे। सो उसे करने के लिए आर डॉट एडजस्ट एम्बिएंट नॉइस, ठीक है। और जो नॉइस जो होगा वो हम कैप्चर करेंगे सोर्स से, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पास करना होगा सोर्स को। सो गाइज, अभी हमें क्या करना है, ऑडियो को लिसन करना है, और ऑडियो लिसन करने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, ऑडियो इज इक्वल्स टू आर डॉट लिसन, और इसमें हम पास करेंगे सोर्स को, यानी कि हम किस सोर्स से लिसन करने वाले हैं, माइक्रोफोन से। तो हमने सोर्स से यहाँ पर पास कर दिया। और कितने सेकंड के लिए हम इसे लिसन करेंगे, मतलब सपोज अगर कोई यूज़र स्पीक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो उसने जो है लिसन करना होगा एटलीस्ट 10 सेकंड्स के लिए, और अगर वो स्पीक कर रहा है तो उसने 6 सेकंड्स के लिए ही उसका जो वॉइस है उसे कैप्चर करना चाहिए, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर 6 सेकंड पास कर दिया, ओके। नाउ अभी नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, इस वॉइस को रिकॉग्नाइज करना, मतलब ये जो है अभी ऑडियो फॉर्मेट में है, और इसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा टेक्स्ट फॉर्मेट में। और वो करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर एक एक्सेप्शन लगाएंगे ट्राई का, और इस एक्सेप्शन में हम लिखेंगे प्रिंट
रिकॉग्नाइजिंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं अभी, वॉइस को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। सो अभी हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एक क्वेरी नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें कि हम जो रिकॉग्नाइज टेक्स्ट होगा उसे स्टोर करेंगे, ठीक है। सो मैं अभी यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्वेरी इज इक्वल्स टू आर डॉट रिकॉग्नाइज, और अभी हमें यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन का इंजन पास करना होगा। सो हमारे पास रिकॉग्नाइजेशन के जो है बहुत सारे इंजन्स है, सो हम इसमें से जो स्टैंडर्ड गूगल का इंजन है उसे यूज़ करेंगे। सो हम यहाँ पर रिकॉग्नाइज गूगल को करेंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ पर जो है पास करना होगा अपने ऑडियो को। सो मैंने ऑडियो को यहाँ पर पास किया। नेक्स्ट अभी हमें बताना होगा कि हम किस लैंग्वेज में बोल रहे हैं, बेसिकली हम तो अभी इंग्लिश बोल रहे हैं पर हमारी जो लैंग्वेज होती है वो होती है इंग्लिश इंडिया, ठीक है। सो हम यहाँ पर उसे पास कर देंगे ENIN, मतलब इंग्लिश इंडिया, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं गाइज, यहाँ पर प्रिंट करेंगे जो भी यूज़र ने बोला है, ठीक है। उसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लेंगे और उसमें लिखेंगे यूज़र सेड। और जो स्ट्रिंग होगी वो होगी हमारी क्वेरी, ठीक है। सो गाइज अभी जो है हमने यहाँ पर क्लोज़ किया, और अगर सपोज़ यहाँ पर कुछ एरर आता है तो उसे हमें एक्सेप्शन करना होगा। तो एक्सेप्शन करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन एज ई, पर हम जस्ट रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग को, ओके। और अभी हमें क्या करना होगा यहाँ पर, सो अभी हम क्या करेंगे, इस क्वेरी को रिटर्न करवाएंगे। रिटर्न क्वेरी मीन्स हमने जो भी बोला है उसे वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी हम इसे क्या करेंगे, लोअर केस में रिटर्न करवाएंगे। सो मैं यहाँ पर फंक्शन लगा देता हूँ लोअर, और अभी मैंने इसे सेव किया। अभी हम क्या करना है गाइज, इस पिक फंक्शन के अंदर टेक्स्ट को पास करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे टेक्स्ट नाम से, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, और ये जो हमारा फंक्शन है इसे हम यहाँ पर पास करेंगे, ठीक है, टेक कमांड। सो हमने इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया, और जब ये कॉल होगा तब हमें रिटर्न में देगा क्वेरी को, और उस क्वेरी को हम जो है यहाँ पर स्पीक करवाएंगे, मतलब हमने जो भी बोला है वो यहाँ पर स्पीक करेगा, ठीक है। सो मैंने सेव किया, और अभी हम इसे रन करते हैं। सो गाइज यहाँ पर एक हमें एरर आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर, ठीक है। सो इस एरर को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने इस माइक्रोफोन को जो है ब्रैकेट्स नहीं लगाए, ठीक है। सो ये क्लास है, सो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए। अब हम इसे रन करेंगे, तो आप देख सकते हो कि ये लिसनिंग कर रहा है, और मैं जो भी बोल रहा हूँ ये अभी स्पीक करेगा। सो इसने रिकॉग्नाइज जिंक की प्रोसेस में आप देख सकते हो कि मैंने जो भी बोला उसने ये स्पीक किया। सो लेट्स वंस अगेन टेस्ट दिस फंक्शन। हेलो जार्विस, जय श्री राम। हेलो जार्विस, जय श्री राम। आप देख सकते हो कि मैंने जो बोला उसने फिर से स्पीक करके दिखाया, ठीक है। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस जो बैकएंड को जो है हम कनेक्ट करेंगे अपने इस फ्रंट एंड के साथ, मतलब हमने अभी जो भी बोला ये हमें कमांड लाइन में दिख रहा है, ठीक है। सो हम इसे इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन कमांड लाइन हम इसे डिस्प्ले करवाएंगे अपने फ्रंट एंड के अंदर। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इसे लिंक करेंगे अपने फ्रंट एंड के साथ। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। हैव अ गुड डे।